कंटिन्यू करते हैं फिर बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, ठीक है भाई। क्या है आज, जैसे मैं पहली बात से कहीं जैसे अगर कोई ये फंक्शन, ये कोई वन प्लस एक्स की पावर एन की पावर एन, अगर ये कोई है एक्सपेंडेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर इन इसके एक्सप्रेशन में, अगर क्या है वन प्लस एक्स पावर एन की पावर एन कोफिशिएंट ऑफ आई की पावर आर क्या होता है, फिर कोफिशिएंट क्या होता है भाई, बताया था मैंने इन एन सी आर बाई पी क्या होता है, एन सी आर अपॉन पी वेयर आर इज द मल्टीपल ऑफ पी, वेयर आर इज द मल्टीपल ऑफ पी, वेयर आर इज द मल्टीपल ऑफ बी। इसका अगर इसके को इसके एक्सपेंशन में कोफिशियंट ऑफ एक्स पावर होगा एन सी आर अपॉन पी वेयर आर इज द मल्टीपल ऑफ पी। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं ये कोई है वन प्लस एक्स की पावर थ्री की पावर टेन ट्वेल्व या फिफ्टीन, द कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर टेन, कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर टेन, कोफिशियंट ऑफ एक्स पावर टेन इन द क्या हो गया एन सी, ये फिफ्टीन पी आर जो है इसका पी का जो है मल्टीपल हो, आर जो है इसका पी का मल्टीपल है, ये मैंने बोले एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर का बच्चा आ जाएगा एक्स स्क्वायर, क्या आएगा पंद्रह कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर टेन कोफिशियंट ऑफ टेन पंद्रह फिफ्टीन पी फाइव, फिफ्टीन सी फाइव क्या आएगा फिफ्टीन सी फाइव। अगर इसी तरह करना हो ये कोफिशियंट, अगर इसका निकालना हो वन प्लस एक्स की पावर थ्री की पावर टेन कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर ट्वेल्व इज टेन सी फोर, थ्री फोर थ्री फोर द ट्वेल्व टू फाइव द टेन, ये रहा इस तरह के जो है, इस तरह जो है हम जो है ये निकाल सकते हैं। ठीक है, अब है जैसे नया टॉपिक है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर ट्वेंटी ऑफ एक्स पावर ट्वेंटी इन एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की पावर थ्री की पावर माइनस थ्री वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर फोर, क्या है वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर फोर, ये फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर ट्वेंटी इन एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की पावर थ्री वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर फोर्टी।
तो उसका क्या आएगा ये? फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वन बाई एक्स स्क्वायर की पावर फोर। इसका क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी आएगा एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर की पावर माइनस 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 फाइव का होल स्क्वायर की पावर माइनस फाइव वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर फोर। ये क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स की पावर माइनस टेन वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर फोर। ठीक, ये क्या आ गया? ये टेन है, ये क्या आ गया? वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर थर्टी। ये आ गया ना वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस टेन वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर फोर्टी, और ऊपर जाए क्या आ जाएगा? एक्स की पावर टेन। क्या गया? एक्स पावर टेन वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर थर्टी। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर ट्वेंटी इन कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर ट्वेंटी कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर ट्वेंटी क्या आ गया? कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर ट्वेंटी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर टी इन सच दैट एक्स की पावर टेन तो ये है ही, इसमें एक्स की पावर टेन का जो कोफिशिएंट होगा लिखें कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर टेन वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर थ्री इन सच दैट हियर इट मीन्स आंसर इज रिवर्स थर्टी थ्री फाइव। इट मीन थर्टी थ्री फाइव। देखो ये है कोफिशिएंट ऑफ द स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सेम नंबर इज एडिटिव देन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर पावर फोर्टी। ठीक है, एक्स पावर टेन ये माइनस में है नीचे, ये है ना माइनस ये ऊपर आगे क्या आ जाएगा? एक्स पावर टेन, एक्स पावर टेन ऊपर चला जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर पावर माइनस टेन वन प्लस एक्स स्क्वायर पावर फोर्टी। तो इसको क्या आ गया? ये आ गया। अब कह रहा है कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर ट्वेंटी, कोफिशियंट ऑफ एक्स पावर ट्वेंटी क्या होगा? एक्स की पावर टेन का तो ये है ही, उसकी मल्टीप्लाई एक्स पावर टेन कोफिशियंट इसमें से आ जाए, कोफिशियंट ऑफ एक्स पावर टेन इन इसमें से आ जाए, इसमें से क्या आ जाएगा? वही बताया था मैंने, बताया था एन सी आर अपॉन पी, ये बताया था मैंने एन सी आर अपॉन पी, फिर क्या आ जाएगा? थर्टी सी फाइव, थर्टी सी फाइव। कोफिशिएंट ऑफ एफ की पावर फोर इन द एक्सप्रेशन ऑफ इन द एक्सपेंशन ऑफ इन द एक्सपेंशन ऑफ टू माइनस थ्री बाई एक्स स्क्वायर की पावर टेन
-3 बाई एक्स स्क्वायर की पावर 10, 2 माइनस 3 एक्स स्क्वायर की पावर 10 एक्स अपॉन 2। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स पावर 2 माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर की पावर 10। इसके एक्सपेंशन में इसके कोएफिशिएंट निकालने हैं, सही निकालेंगे देखो वो दैट पी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर टेन सी आर एक्स की पावर एक्स एक्स की वैल्यू कितने एक्स बाई 2 की पावर आर एक्स बाई 2 की पावर एन माइनस आर एक्स बाई 2 की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर माइनस 3 एक्स स्क्वायर की पावर आर। ये आ गए भाई, ये आ गया टेन सी आर, ये आ गया माइनस 1 की पावर आर एक्स की पावर 10 माइनस आर 2 की पावर 10 माइनस आर इंटू 3 की पावर आर अपॉन एक्स की पावर क्यू आर। ठीक, तो ये आ गया टेन सी आर माइनस 1 की पावर आर एक्स की पावर 10 माइनस आर इज टू आर, क्या आ गया एक्स की पावर 10 माइनस 3 आर 10 माइनस 3 आर ठीक आ गया 3 की पावर आर अपॉन 2 की पावर 10 माइनस आर। ये 10 माइनस 3 आर जो है इस किसका कोफिशियंट, किसी कोफिशियंट में कह रहा है एक्स पावर 4 के, किसके कोफिशियंट क्या आ गया, ये एक्स पावर 4 होना चाहिए, ये तो क्या कोफिशियंट होगा। अकॉर्डिंग टू सिस्टम वी हैव अकॉर्डिंग टू यानी 10 माइनस 3 आर इक्वल टू 4, 10 माइनस क्या गया 10 माइनस 3 आर इक्वल टू 4 क्या गया माइनस 3 आर इक्वल टू 4 माइनस 10 माइनस 3 आर इक्वल टू माइनस 6 माइनस है माइनस आर इक्वल टू 6 बाई 3 आर इक्वल टू क्या गया 2 आर, आर इक्वल टू क्या गया आर की वैल्यू अगर मैं यहां पुट कर दूं ये टी आर सिलेक्शन के इक्वल आ रहा टी, तो क्या आ जाएगा ये टी 2 प्लस 1 इक्वल टू टेन सी 2 टेन सी 2 माइनस 1 की पावर आर प्लस 2 एक्स की पावर इज होल कोएफिशिएंट एक्स पावर 4 आ जाएगा ये 3 पावर 2 अपॉन 2 की पावर 10 माइनस 4 10 माइनस 2 भाई टेन सी 2 इंटू 3 पावर 2 2 की पावर 8 3 पावर 8 इंटू 10 करना 10 सी 2 3 स्क्वायर 2 पावर 8 सोल्व करना क्या आ जाएगा और एक्स पावर 4 आ जाएगा क्या आगे इसका आंसर, हाँ 405 अपॉन 256 रिक्वायर्ड आंसर इज 405 अपॉन 256 ये इसका आंसर, ये इसका। ठीक है आगे बढ़े,
फाइंड द कोफिशियंट ऑफ, पूछेंगे फाइंड द कोफिशियंट ऑफ, फाइंड द कोफिशियंट ऑफ एफिसर सिंपाई इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्सप्रेशन इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्सप्रेशन फाइंड द कोफिशियंट ऑफ एक्सपर्ट सिंपाई. ये क्या है? R इक्वल टू 50, R इक्वल टू 0 टू 50, R इक्वल टू 50 CR 2x माइनस 3 की पावर R माइनस x 50 की पावर माइनस R. इसके एक्सपेंशन में ये एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है 50 CR 2x माइनस 3 की पावर आर. इसका क्या लिख सकते हैं? अगर ये चलिए इसका लिख सकते हैं 2 माइनस x प्लस 2x माइनस 3 की पावर 50. ये कहां से आया? ये समय से क्या रहा है? इसको क्यों लिख दिया मैंने? ये ऐसा देखो भाई, इसको इसलिए लिख दिया, ये इसकी जनरल टर्म्स है. जनरल टर्म्स है टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एम सी आर एक्स की पावर माइनस आर ए की पावर आर. ये जो कि आर ही टर्म है. देखो ये आर बराबर 0 रखूंगा तो क्या जाएगा? जैसे ये है 50 C0 प्लस 2x माइनस 3 बन गया 2 माइनस x की पावर 50 प्लस 50 C1 2x माइनस 3 फिर क्या गया 2 माइनस x की पावर 49 प्लस 50 C2 2 माइनस 2x की पावर 2 माइनस x की पावर 48. ये इस तरह की टर्म साथ चली गई. इसका टी आर क्या होगा? यही एन सी आर एक्स और एन माइनस एच सीरीज का. ये आगे एन सी आर यानी x तो मान लीजिए है और a है x प्लस a की पावर n. अच्छा यहां क्या जाएगा? ये 2x में से x जा क्या बचेगा? x और माइनस 2 माइनस 3 क्या है? x माइनस 1 की पावर 50. इसे कर सकता हूं x माइनस 1 की पावर 50. देखो x माइनस 51 50 है. इसको एक माइगर माइनस कॉमन ले लूंगा. माइनस क्या है इसकी पावर में? इवन है तो क्या जाएगा? 1 माइनस x की पावर 50. क्या जाएगा? 1 माइनस x की पावर 50 आ जाएगा. क्या जाएगा? ये 1 माइनस x की पावर 50. फिर क्या जाएगा? ये अच्छा जब इसको एक्सपेंड करेंगे क्या जाएगा? 50 C0 माइनस 50 C1 x प्लस 50 C2 x² माइनस 50 C3 x³. इस तरह सिमिलर लिया जाएगा भाई. इसी तरह से ये क्या आएगा? ये
एक्स जब एक्स क्यूब है तो माइनस का आ रहा, जितनी पावर है यहाँ कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर 25, कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर 25 आ जाएगा 50c 25, एक्स की पावर 25 आएगा यहाँ। अच्छा ये इवन है ओड है, ये तो माइनस का आएगा यहाँ, इससे पहले क्या आएगा 50c 24 एक्स की पावर 24। तो वाट एंड कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर 25 क्या आ गया, एक्स की पावर 25 कोफिशियंट ये होगा माइनस 50 कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर 25 कितना आ गया माइनस 50c 25। यस कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर 25 माइनस 50c 25, ठीक है ये आ गया। आई बात में तारुफ कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इंडिपेंडेंट ऑफ फाइंड द इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ फाइंड द इंडिपेंडेंट एक्सपेंशन ऑफ टू की पावर एक्स प्लस टू की पावर माइनस एक्स प्लस लॉग एक्स की पावर टू लॉग एक्स की पावर टू एक्स एक्स प्लस टू की पावर 30। फाइंड द कोफिशियंट क्या है, फाइंड द टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स टू की पावर एक्स प्लस टू की पावर माइनस एक्स प्लस लोग ई एक्स की पावर 1/2 की पावर 30। ठीक है भाई क्या आ गया ये देखो, इसको लिख सकता हूं मैं टू की पावर एक्स एडिटी प्लस टू की पावर माइनस एक्स को भी एडिटी। देखो ये है लोग, ये भी बेस है ये भी बेस, सुनो लोग ई ई इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, मतलब ये खत्म हो जाता है तो क्या आ जाएगी प्लस एक्स प्लस 2 की पावर 30, 2 प्लस एक्स पावर 2 प्लस 30। अच्छा अब मैं क्या कर सकता हूं इसको, देखो ये है एक तो मैंने इसको ले लिया 2 की पावर एक्स 2 की पावर माइनस 2 इसको ले लिया 2 की पावर एक्स प्लस 2 की पावर माइनस एक्स प्लस 2 ठीक।
इसको क्या लिख सकता हूं मैं, टू की पावर एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, इसे लिख सकता हूँ टू की पावर माइनस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू टू की पावर एक्स बाई टू इंटू टू की पावर माइनस एक्स बाई टू। ठीक, इसको क्या आ गया, देखो यही आ गया ए, ये भी इसका स्क्वायर ही आ गया, ये कितना आ गया, ये आ जाएगा टू इंटू टू की पावर जीरो, ये हो गया और एक्स आगे, ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये क्या गया ए प्लस बी का टू की पावर एक्स बाई टू प्लस टू की पावर माइनस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ये क्या टू की पावर एक्स बाई टू प्लस टू की पावर माइनस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर आ गया। अब इसकी वैल्यू क्या आ गई, टू की पावर एक्स बाई टू प्लस टू की पावर माइनस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर प्लस एक्स और सारे की पावर थर्टी, सारी पावर क्या आ गई, सारी पावर थर्टी, अच्छा अब क्या करा, इंडिपेंडेंट ऑफ जीरो, इंडिपेंडेंट ऑफ जीरो जिसमें एक्स जो है एक्स कौन सी हो जीरो, तो क्या आ जाएगा थर्टी सी जीरो, थर्टी सी जीरो एक्स की पावर बाय टू, टू एक्स की पावर बाय टू प्लस टू की पावर माइनस एक्स बाय टू की पावर स्क्वायर है जो 60 आ जाएगा, क्या आएगा ये टू पावर 60। अच्छा अब इससे तो आ गई, इससे क्या आ जाएगी, थर्टी सी जीरो मल्टीप्लाई क्या आएगा सिक्सटी सी थर्टी, सिक्सटी सी थर्टी, थर्टी सी जीरो की वैल्यू कितनी थी वन, क्या आएगा सिक्सटी सी थर्टी, इसकी वैल्यू क्या आ गई सिक्सटी सी थर्टी, इसकी वैल्यू क्या आ गई सिक्सटी सी थर्टी। क्या फाइंड द इंडिपेंडेंट ऑफ द टर्म ऑफ द एक्सपेंशन, की एक्सपेंशन निकालनी है, इसकी क्या है वैल्यू दे रखी है टू की पावर एक्स प्लस पावर एक्स प्लस टू की पावर माइनस एक्स प्लस दो एक्स पावर बाई टू बाई टू आर थर्टी, ये तो टू पावर एक्स ली थी, ये आई थी ये भी लो ई के आगे एक्स बाई टू और थर्टी, ये हो गया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सिक्स, ये हो गया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू ए बी। अच्छा अब इसका जो है मानी ये एक्स प्लस इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इससे क्या आएगा थर्टी सी जीरो, इसमें तो आना ही नहीं कोई है, अच्छा ये एक्स प्लस कितनी आएगी सिक्सटी आएगी, ये नहीं आना, ठीक है अब इसमें क्या आ जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ जीरो, ये आएगा सिक्सटी सी थर्टी, जब ये भी आएगा तो ये खत्म हो जाएगा, दोनों सेम पावर होंगे प्लस के लिए, तो सिक्सटी सी इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू फिफ्टी सी थ्री, दैट इज आंसर।
नैब ने यार। सम ऑफ कोफिशिएंट इन एक्सपेंशन, सम ऑफ कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन क्या है, क्या होता है ये? देखो जैसे एक्स प्लस वाई की पावर एन है, अगर मान लीजिए एक्स इक्वल एक्स प्लस वाई की पावर एन का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा इसका एक्सपेंशन में, बता रखा है, बोलो क्या जाएगा एक्स प्लस वाई की पावर एन के में क्या जाएगा, एन सी जीरो एक्स की पावर एन प्लस एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन वाई एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू वाई का स्क्वायर प्लस एन अब टू एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर, ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई की पावर एन एन सी जीरो एक्स पावर एन एन सी वन एक्स पावर एन माइनस वाई एन सी टू एक्स वाई, ठीक है ये आ जाएगा। इसमें क्या रहता है, ये अगर मैं इसमें पुट कर दूंगा टू गेट द सम ऑफ द कोफिशियंट, टू गेट द सम ऑफ द कोफिशियंट अगर इसमें निकालना मुझे मिलना हो तो क्या कर पुट कर सकता हूं मैं, एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू वन, वी गेट द कोफिशियंट ऑफ द सम ऑफ इनके कोफिशियंट का सम, इसका सिर्फ कोफिशियंट आए इनका क्या है सम आए, तो क्या आ सकता है यानी एक्स भी वन आ जाए एक्स वन की पावर वन और वाई भी वन आ जाए, तो क्या आएगा टू की पावर एन वन प्लस वन की पावर एन एन सी जीरो प्लस एन सी वन एन सी टू प्लस एन सी थ्री अब टू एन सी आर एन सी आर एक्स की पावर एन सी आर एक्स की वन की पावर वन, या भी ये आ जाता है, ये आ जाता है टू की पावर एन इज इक्वल टू क्या आ जाता है टू की पावर एन इज इक्वल टू अगर मान लिया एन की जगह मैं एन बाई ये वन प्लस वन क्या आता है ये इक्वल टू टू की पावर एन, अगर एन की जगह क्या कर सकता हूं मैं चेंज रिप्लेस कर सकता हूँ एन बाई वन क्या आ सकता है वी कैन से अच्छा यहाँ आर की मतलब एन अगर एन टर्म्स हुए तो एन सी एन आ जाएगा यहाँ एन सी एन, अगर मैं ये आ जाए लिखते हूँ एन की जगह एन माइनस वन सी जीरो एन माइनस वन सी वन एन माइनस वन सी टू एन माइनस वन सी थ्री अब टू एन माइनस वन सी एन माइनस वन इक्वल टू टू की पावर एन माइनस वन, इसका फॉर्म ले जाएगा भाई क्या जाएगा ये यानी एक्स प्लस वाई की पावर एन इक्वल टू एन सी टू की पावर एन का फॉर्मूला क्या आ गया एन सी जीरो एन सी वन एन सी टू एन सी थ्री एन अब टू एन सी एन इक्वल टू टू की पावर एन, सिमिलरली टू की पावर एन माइनस वन इक्वल टू एन माइनस वन सी जीरो एन माइनस वन सी वन एन माइनस वन सी टू दैट इज द सम ऑफ द कोफिशियंट दैट इज द सम ऑफ द कोफिशियंट, जनरल फॉर्म में निकालना होगा मुझे जनरल फॉर्म में क्या आएगा सम ऑफ यानी क्या आएगा सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज इक्वल टू टू की पावर इंडेक्स ऑफ एक्सपेंशन टू की पावर इंडेक्स ऑफ सम पावर इंडेक्स ऑफ एक्सपेंशन
सम ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज इक्वल टू क्या है, टू द पावर इंडेक्स ऑफ एक्सपेंशन आएगा, तो क्या है ठीक। अब सिमिलरली अब अगर अगर मैं अब क्या कर देता हूं इसकी एक्सपेंशन में, ठीक है आगे, अगर इसके एक्सपेंशन में अब क्या कर सकता हूं, एक्स इक्वल टू वन वाई इक्वल टू माइनस वन, क्या कर देता हूं, एक्स इक्वल टू टू एक्स इक्वल टू वन वाई इक्वल टू माइनस वन, फिर क्या जाएगा, एक्स इक्वल टू वन वाई इक्वल टू माइनस वन क्या आएगा, जीरो की पावर एन कोएफिशिएंट क्या आएगा, सीधा लिख लो एम सी जीरो माइनस एम सी वन प्लस एम सी टू माइनस एम सी थ्री एम सी फोर माइनस एम सी फाइव, यह आ जाएगा माइनस वन की पावर एन एन सी एन, एन डिपेंड करेगा यहां माइनस या प्लस का अकॉर्डिंग टू इवन और ऑड, ये देखो अच्छा वन की पावर वन माइनस एन कितना आ जाता है, जीरो, जीरो इज इक्वल एन सी जीरो एन सी वन प्लस एन सी टू माइनस एन सी थ्री प्लस एन सी फोर अब तो माइनस वन की पावर एन, एन सी ठीक। अब अगर क्या है इसको जो है एन की जगह क्या है एन प्लस वन हो जाए, क्या आ जाए एन प्लस वन, क्या जगह आता है ये इसमें क्या आ जाएगा, एन प्लस वन, एन प्लस वन सी जीरो एन प्लस वन सी वन एन प्लस वन पी टू एन प्लस वन पी थ्री एन प्लस वन सी फोर अब टू माइनस वन की पावर एन प्लस वन एन प्लस वन सी एन प्लस वन, ये क्या है माइनस वन की पावर एन प्लस वन एन प्लस वन सी एन प्लस वन, ये भी क्या की वैल्यू आ जाएगी, ये भी जीरो की वैल्यू आ जाएगी, ये भी क्या की वैल्यू आ जाएगी, ये भी जीरो की, क्या है सम ऑफ ऑल बाइनोमियल, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल उसके अंदर क्या है, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट विद अल्टरनेट साइन जीरो, ये कब है, ये जब था एक्स इक्वल टू वन वाई इक्वल टू माइनस वन, ये कब था एक्स इक्वल टू वन, यानी अल्टरनेटिव साइन का कोफिशियंट ऑफ सम ऑफ ऑल अल्टरनेटिव साइन द कोफिशियंट ऑफ विल बी जीरो, हेंस द आंसर इज जीरो। अच्छा अब मान लिया ठीक है, तो देखो आगे बढ़ते हैं कि क्या होता है, देखो क्या था ये, इसका सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट एक्स इक्वल टू वन वाई इक्वल टू वन रखा था, तो कि ये क्या आ गया था भाई, ये पावर एन एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू
प्लस एन सी थ्री एन सी फोर अब एन सी एन इक्वल टू टू की पावर एन, ये आ गए ये इक्वेशन हमारे। अब अगर क्या अब उससे क्या आ गया था सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ अल्टरनेट साइन एक्स इक्वल टू वन वाई इक्वल टू वन क्या आ गया था जीरो, तो ये क्या आ गया था एन सी नॉट एन सी एन माइनस वन की पावर एन टू की पावर जीरो, आ गई है वी आ गई। इनको सबको क्या कर लेता हूं ऐड कर लेता हूं एडिंग बाय एडिंग इक्वेशन ए एंड बी ए और बी को ऐड कर देता हूं। जब मैं ऐड करूंगा देखो ये इससे चले जाएगा ओड वाले ठीक ये इससे चले जाएगा तो क्या पूछेगा ये एन सी जीरो एन सी जीरो टू एन सी जीरो टू एन सी टू टू एन सी फोर इधर आगे क्या जाएगा टू की पावर एन क्या जाएगा टू की पावर एन टू एन सी जीरो प्लस एन सी टू प्लस एन सी फोर एन सी सिक्स अब टू टू की पावर एन ये कहां से आया अरे ये यहां से आया कहां से आया ये सब में टू टू आएगा नहीं है ये यहां भी आएगा। अब दो दोनों दो सब मेरे क्या ले लिया कॉमन ले लिया दो से डिवाइड करके क्या आ गया है एन सी जीरो पावर एन माइनस टू की पावर एन माइनस अगर कोफिशिएंट ऑफ जीरो टू फोर सिक्स क्या क्या आ गया टू की पावर एन माइनस वन अगर कहीं वैल्यू निकाल लूं इसको वैल्यू को लिख सकते हैं ठीक। अच्छा अब मान लिया अब तो क्या कर ठीक है अब जो है एक काम करता हूं इसको इसको एडिंग ना करके सब्ट्रैक्टिंग क्या लें सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सब्ट्रैक्ट क्या कर लिया सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फ्रॉम बी फ्रॉम ए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन बी फ्रॉम ए तो क्या जाएगा देखो अब ये इवन वाले कट जाएंगे भाई तो क्या जाएगा टू एन सी वन क्या जाएगा जो टू दोनों में कॉमन ले लो क्या जाएगा टू एन सी वन प्लस एन सी थ्री एन सी फाइव अब टू टू की पावर एन टू पावर एन को डिवाइड कर दिया क्या हो जाएगा एन सी वन जाएगा एन सी वन एन सी थ्री एन सी फाइव इक्वल टू टू की पावर एन माइनस वन उसे दोनों तरफ डिवाइड करते क्या आ गया एन सी यार। अब क्या कर सकता हूं मैं इसको इसका क्या आ गया इसका इसका ये आ गया सम ऑफ क्या आ गया इसका इसका क्या आ गया सम ऑफ इवन एंड एंड बोनल कोफिशिएंट ऑफ इंडेक्स टू की पावर एन माइनस वन सम ऑफ इवन क्या आ गया सम ऑफ इवन क्या आ गया इसका
सम ऑफ इवन एंड ऑड, क्या सम ऑफ इवन एंड ऑड, सम ऑफ इवन एंड ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट, बाइनोमियल कोएफिशिएंट टू द पावर इंडेक्स माइनस वन, टू पावर इंडेक्स माइनस की वन. टू पावर इंडेक्स माइनस के वन, ठीक. इसको किससे लिख सकता हूं मैं, एन माइनस वन सी वन, एन माइनस वन सी थ्री, एन माइनस वन क्या लिख सकता हूं उसको, एन माइनस वन सी वन, एन माइनस वन सी थ्री, एन माइनस वन सी फाइव, टू की पावर एन माइनस वन माइनस वन, टू की पावर एन माइनस टू, क्या जाएगा, टू की पावर एन माइनस टू, एन माइनस वन सी वन, एन माइनस वन सी थ्री, एन माइनस वन सी फाइव, टू की पावर एन माइनस वन, टू क्या, टू की पावर एन माइनस टू. और अगर n की, अगर n माइनस टू लिखना हो इसमें, क्या लिखना हो इसमें, n माइनस टू क्या लगाइए, n माइनस टू थ्री जीरो प्लस n माइनस टू सी थ्री, एन माइनस टू सी फाइव, अब टू क्या आएगा, n माइनस थ्री, n माइनस वन यानी n माइनस थ्री, क्या जाएगा, टू की पावर n माइनस वन, n की जगह क्या आएगा, n माइनस टू, तो क्या आएगा, टू की पावर एन माइनस टू माइनस वन इक्वल टू टू की पावर एन माइनस टू, ये कोएफिशिएंट है. आई बात में, देखो अगर मैं इनको फॉर्मूले को कंबाइन करना चाहूं, इकट्ठे लिखना चाहूं, ये फॉर्मूले तो याद है, देखो एन सी नॉट एन सी वन एन सी टू एन सी थ्री एन सी फोर एन सी फिफ्टी कुछ, अब टू की पावर एन, अच्छा. और अगर एन सी नॉट माइनस एन सी वन अल्टरनेट का सम आ रहा है तो उसकी पावर क्या आते हैं, जीरो, और एड और सब्ट्रैक्ट क्योंकि क्या आ गया था, एन सी जीरो प्लस एन सी टू प्लस एम सी फोर एम सी सिक्स इक्वल टू टू की पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन. सिमिलरली एम सी वन प्लस एम सी थ्री एम सी फाइव, अब ठीक है, देखो ये डी आ गया, ये क्या आ गया, सी आ गया, ये क्या आ गया, डी आ गया, ये क्या आ गया था, ए और बी को ऐड करके और सब्ट्रैक्ट करके ये आ गया था, इससे क्या आ गया था, पहले वाले से तो ये था सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ टू पावर, ये था टू पावर इंडेक्स, टू पावर यानी एन है तो एन, ये रहा टू. दूसरे वाले से क्या था, सम ऑफ ऑल बाइनरी कोएफिशिएंट ऑफ द अल्टरनेट साइन इज जीरो, इस अल्टरनेट का साइन का क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, अगर इफ एक्स इक्वल टू वन वाई इक्वल टू वन. अब से ए बी को सब्ट्रैक्ट और ऐड करके सम ऑफ द इवन एंड और बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज इक्वल टू टू की पावर इंडेक्स माइनस वन, टू की पावर इंडेक्स माइनस वन, जो भी एन दे रखा हो, इसको अभी मैंने यहाँ एन माइनस टू, अगर मैंने एन माइनस थ्री रखना है तो क्या आएगा, तो क्या आएगा, टू की पावर एन माइनस थ्री माइनस वन, तो टू की पावर एन माइनस फोर. वी कैन यूज सच टाइप वैल्यू इफ वी नीड, तो टू की पावर इंडेक्स माइनस के वन, ठीक है. आगे बढ़े भाई,
क्वेश्चन है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन इन वन प्लस एक्स की पावर फैक्टोरियल वन, वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू के फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब की पावर थ्री का फैक्टोरियल, एक्स की पावर एन का पावर एन का फैक्टोरियल का स्क्वायर। क्या है भाई इसका जो है वन प्लस एक्स की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन टू का फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर क्यूब थ्री एक्स की पावर एन की पावर एन का फैक्टोरियल का स्क्वायर, इनका क्या है सबका सम निकाल देंगे। क्या निकालना है इसका सम, किससे निकाल लेंगे भाई देखो मैं क्या कर देता हूँ ना, वन प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल वन एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री एक्स की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन, ये क्या जाएगा वन प्लस एक्स की पावर फैक्टोरियल वन एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स की पावर एन फैक्टोरियल एन प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस वन, ये आ गया ठीक। जो इसको स्क्वायर है इसको दो बार लिख दिया, ये कोई परेशानी तो नहीं भाई, यहां भी एक ये बार आ जाएगा कोई। अब मैंने क्या करा, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई आ गई कहीं ना कहीं, है इसकी इसकी पहले की और इसकी लास्ट की, तो इनका मल्टीप्लाई क्या आएगा वही निकालना है, कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर एन, कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर एन आएगा वन की और इसकी मल्टीप्लाई करके, एक्स की पावर एन की मल्टीप्लाई करके आएगा, और किस तरह आएगा एक एक्स अपॉन फैक्टोरियल वन की कहने कोफिशियंट है मल्टीप्लाई करके आएगा, की पावर एन माइनस वन से भी मल्टीप्लाई करके आएगा, उसका भी क्या आएगा एक्स पावर एन। सिमिलरली वी हैव कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर एन, कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर एन कितना जगह यहां से यहां करके वन अपॉन फैक्टोरियल एन, क्या आएगा वन अपॉन फैक्टोरियल एन, वन अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस, अब किससे आएगा इससे और इससे, तो क्या आएगा वन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस वन, क्या आएगा आंसर इसका वन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस वन, तो वन अपॉन वन तो है ही है, वन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस वन प्लस, फिर और क्या आएगा इसकी और इसकी, इससे पहले आएगा वन अपॉन फैक्टोरियल टू, क्या आएगा वन अपॉन फैक्टोरियल टू एन माइनस फैक्टोरियल टू, इसमें लास्ट टर्म में क्या आएगा यहाँ एन माइनस एन, यहाँ क्या आएगा वन अपॉन फैक्टोरियल एन, वन अपॉन फैक्टोरियल एन एन माइनस एन फैक्टोरियल, एन माइनस एन की वैल्यू क्या होती है जीरो, तो वन अपॉन जीरो, वन अपॉन जीरो की वैल्यू क्या होती है वन, वन को मैं क्या नहीं लिखना तो चाहिए वन अपॉन फैक्टोरियल एन, यहाँ क्या आगे वन अपॉन फैक्टोरियल एन, आई बात कोई में वन अपॉन फैक्टोर, अच्छा देखो ये है इसमें फैक्टोरियल एन की ऊपर नीचे क्या, ऊपर नीचे क्या देता हूँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो जब मैं इसमें करता हूँ तो ये क्या आएगा फैक्टोरियल एन की तो ऊपर है वन में जाए मल्टीप्लाई कर दू, नीचे क्या आ जाएगा यहाँ वन अपॉन फैक्टोरियल एन बाहर आ जाएंगे, तो वी है वन अपॉन फैक्टोरियल एन इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल एन अपॉन
फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस वन, वन अपॉन फैक्टोरियल टू अपॉन फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस टू। अब टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन, ये फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन आएगा। फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन की वैल्यू क्या होती है, एन सी जीरो प्लस एन सी जीरो, इसकी वैल्यू क्या होती है एन सी वन, एन सी वन नहीं रखी, देखो एन सी वन क्या होती है, एन सी वन इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल वन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस वन, ये रखी, ये क्या होती है एन सी वन। सिमिलरली एन सी टू रखी, एन सी टू वैल्यू क्या जाएगी है फैक्टोरियल एन अपॉन, बड़ा हुआ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आपने, ये परम्यूटेशन एनसीआर, एनसीआर भी फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये आ गई, ये आ गई एन सी टू। अब टू एन सी एन क्या आ गया एन सी एन, एन सी एन अच्छा बना लगी वैल्यू, अच्छा इसकी वैल्यू भी क्या पढ़ी थी मैंने भी, एन सी जीरो एन सी वन एन सी टू अप टू एन सी एन, इसकी वैल्यू भी क्या बताई थी मैंने, क्या बताई थी बोलो, हाँ टू की पावर एन, क्या बताई थी टू की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन, दैट इज वैल्यू इज टू की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन, आई बात है। देखो क्या है, देखो क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन क्या था, ये था क्वेश्चन वन प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एक्स की पावर एन की पावर का स्क्वायर, सुपर कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर एन निकालना है इन द एक्सपेंशन ऑफ, जब एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को क्या लिख दिया हमने, एक्स इंटू एक्स दो बार मल्टीप्लाई करके लिख दिया भाई, एक्स इंटू एक्स ये दो बार लिख लिया, एक बार तो ये लिखा गया एक्स और एक बार क्या लिखा गया ये एक्स, इससे क्या करा मैंने, ये कुछ नहीं करा, एक्स पावर एन से इससे पहले क्या क्या नंबर आएगा, आएगा एक्स पावर एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस वन, क्या आएगा एन माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस, ये आएगा। अब मुझे क्या निकालना है कोफिशियंट ऑफ एक्स पावर एन, कोफिशियंट ऑफ एक्स पावर मैं इन दोनों से कब निकालता हूँ, जब ये आएगा अगर वन की इस फर्स्ट की इसमें जाए इसमें जाए सेकेंड की इसमें जाए इसमें क्या आता है इसकी और इसकी मल्टीप्लाई क्या आ गया फैक्टोरियल एन, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके क्या आ गया वन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस वन, इसे क्या लिख जाएगा वन अपॉन वन, तो जो रखा मैंने वन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस वन कोफिशिएंट आ गया, इस तरह क्या आएगा यहाँ पे वन अपॉन फैक्टोरियल टू मल्टीप्लाई वन अपॉन एन माइनस टू फैक्टोरियल, ये आ गया। अब इसमें क्या करा मैंने ऊपर नीचे एन की मल्टीप्लाई कर ली, ऊपर नीचे एन की क्या करनी मल्टीप्लाई करनी, तो क्या है फैक्टोरियल आ गया, अच्छा ये क्या आ गया एन सी जीरो एन सी वन एन सी टू एन सी एन, इसकी वैल्यू सभी क्या आ गई टू की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन, क्या आ गई इसकी वैल्यू सभी टू की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन, क्या आ गई टू की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन, ठीक है आई बात है सारू। अब देखो क्वेश्चन है एक और, फाइंड द सम ऑफ के इक्वल टू जीरो टू टेन ट्वेंटी टी के ट्वेंटी
के, इसकी वैल्यू निकालनी है क्या, फाइंड द सम ऑफ के इक्वल टू 0 to 10 20 सी के। अब क्या है, मैं इसको जो है इन्हीं सीगम में सम के 0 से लेकर 10 तक की सबकी वैल्यू रखते हैं, क्या आ जाएगा देखो, ही हैज 20C0 प्लस 20C1 प्लस 20C2 प्लस अब से 20C3। और अगर मेरे पास ये होती कोई सीरीज 20C0 प्लस 20C1 प्लस 20C2 अब टू ट्वेंटी सी 10, इससे पहले क्या आएगी 20C9 आएगी। ठीक, इससे पहले क्या है, इसके बाद 20C1 बाई 4 में बाई ये होती और इसे 20C20 ये अभी कैसे लिख ली मैंने, ये इसकी वैल्यू क्या आ गई 20C0 20C1 ने 20C1 20 अब टू 20C20 इसकी वैल्यू सारी क्या आ गई भाई, बताई दीदी क्या आ गई इसकी वैल्यू, टू की पावर 20, ये NC0 NC1 NC2 NC3 तो 2 की पावर n क्या आ गया, 2 की पावर इंडेक्स सबका इवन ओड सबका आ रहा। ठीक है, अब आगे अगर बाई चांस ये आ जाए इसे क्या लिखता हूं मैं 20C0 प्लस इसको कर ले इकट्ठा और इसको साथ में कर ले 20C20 क्या आ गया 20C0 प्लस 20C20 के लिए प्लस अब किसको कर लिया 20C1 इधर से क्या आएगा 20C19 अब टू 20C20 देखो यहां 20C0 क्या आएगा 20C20 यहां क्या आएगा 20C1 और 20C19 फिर इसमें क्या आएगा 20C18 20C13। ठीक, अच्छा अब इससे 18 वाले में क्या आएगा इधर से लेंगे 20, इससे पहले क्या आएगा 20C20 से 20C20 से पहले क्या आएगा ये? हाँ बोलो, इसका हाफ आएगा वही 20C9 शाबाश क्या आएगा वही बोले ठीक 20C11 ये आएगा एंड सोन। ये दोनों इक्वल है 20C0 ये है ना NCR इक्वल टू NCN-R इक्वल होते हैं ना दोनों, देखो ये है 20C0 20C20 माइनस 20 21 में से बन जाए 29 19 है 29 में से क्या जाएगा 9 जाएगा क्या 11 ही दोनों इक्वल है तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं C0 क्या लिख सकता हूं NC0 20C0 क्या गया 20C0 प्लस 20C0 ये
ट्वेंटी सी नाइन टेन आएगा भैया, ये टेन नाइन इलेवन आएगा, टारगेट 20C10 प्लस 20C10 220C10 क्या गया 220C10 प्लस 220C1 देखो भाई, अब इनमें सब में से दो कॉमन आ रहा, सिर्फ यहाँ अगर 2 से 20C2 होगा, इसमें क्या गया 20C2 को हाफ प्लस कर दिया और 20 माइनस C2 क्या कर दिया हाफ कर दिया, अब अगर 2 20C2 क्या गया 2 22C2 और दो सौ में क्या ले लिया कॉमन ले लिया, तो क्या जाएगा ये ट्वेंटी सी 0 प्लस 20C1 20C2 अब क्या है 20C10 माइनस 20C10 या मुझे क्या गए, ये तो 2 की पावर 10 आ जाएगा, जाएगा इस 2 की पावर क्या जाएगा ये 2 की पावर 20 2 की पावर 20 क्या जाएगा ये 2 की पावर 20 क्या जाएगा 2 की पावर 20 सम किसका निकालना है, इसका निकालना है, इसका है, इसकी वैल्यू मान ले क्या है एफ आ गई, क्या की वैल्यू क्या आ गई इसकी एफ, मान ले दैट दिस वैल्यू इज एफ, दिस वैल्यू इज के एस, दिस वैल्यू क्या है इसकी, ये मान ले के आ गई है, तो क्या आ गया इसकी वैल्यू इन सच दैट इफ, इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई 2 की पावर 20 क्या आ गई सबकी वैल्यू, माने ये सबकी वैल्यू कितनी है एस आ जाएगी एस, तो क्या गया 2 की पावर 20 क्या आ गया सारे क्या इक्वल है, ये 2 की पावर 20 इज इक्वल टू 3s माइनस 2 की 20 C10 2 की पावर 20 माइनस 2s इज इक्वल टू 20C10 इसको रेड लिया हमको क्या गया 2 की पावर 20 प्लस 20C10 इज इक्वल टू 2s इसको रख लेंगे भाई, और s से इसको क्या कर दूंगा 2 से क्या कर दूंगा डिवाइड, s इज इक्वल टू क्या आ गया 2 की पावर 90 प्लस हाफ 2 20C10 यार ठीक है, इसको लिखना तो इधर लिख देंगे यार जरा इसका आंसर क्या आ गया एस इज इक्वल टू
एस इज इक्वल टू टू की पावर 19 प्लस हाफ 23 हाफ प्लस 23 देखो ये वैल्यू दे रखी है, इसमें क्या करते हैं अपनी तरफ ये वैल्यू है इसकी, मतलब उसकी तरफ से जो है टेन आगे मैंने लिख दिया 10/23 को इसकी पावर 20 आ गई। इसको फिर मैंने इसका और इसका सम दो दूंगा, कपल बना ले, जोड़ा बना लिया इस तरह, ये 23 वापस बचेगा। इधर टू कॉमन लेने के लिए 23 जोड़ दिया, 23 माइनस कर दिया ये, और ये सारी वैल्यू फिर मैं दो कॉमन ले गई सारी की वैल्यू की, मान लिया क्या रखी है के रखी है, क्या रखी है ये सारी के रखी या एस रखी जो भी मानना हो, एस है तो एस ही मान ले, एस है तो एस ही मान ले, क्या गया 2^20 = 2 ये सारे कितना आ गया 2s - 23c10 ये इसको जाऊंगा दो डिवाइड कर दूंगा तो एस इक्वल टू ये आ गया 2^10 2^19 प्लस हाफ 20t10 ठीक है एक सवाल है क्वेश्चन घर से करके लाना है तुमको, क्या क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू निकालने फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा जीरो आई की वैल्यू क्या है जीरो आई जे की वैल्यू 1 0 to n 1 + j (MCi + NCj) फाइंड द वैल्यू ऑफ इसकी क्या है इसकी वैल्यू ऐसे घंटे के लाएंगे नहीं तो नेक्स्ट टर्न पे मैं दिखाऊंगा इसको ठीक है इसकी फाइंड द वैल्यू ऑफ इसकी सॉल्व ठीक है ठीक है करें इसको आगे बढ़े इतना ही चलो ठीक है आज के लिए इतना ही है कल को फिर आगे कंटिन्यू करते हैं ठीक है इसको देख लेना नहीं है तो फिर कल वो करेंगे ठीक है बेस्ट ऑफ लक थैंक्स ऑफ ऑल ठीक है।